प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम टेली मसाला। रात तक इसको जान से मारने को सभी जुगाड़ फटाफट से करते, और हाँ, मारने के बाद लाश को भी ठिकाना, वो भी ऐसी जगह जहाँ से कभी इसकी लाश किसी को नहीं मिली। क्या कुछ हो रहा है, एक मेरी हालत देख के समझ नहीं रहा है कि क्या क्या हो चुका है मेरे साथ। मुझे दीवार में चुनवा दिया गया है, मुझे गुंडों ने पकड़ लिया है, मुझे यहाँ पर बांध के रख दिया है, और बेसिकली वो लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। सो यार, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग विद मी। लेकिन कौन है इन सब साजिशों के पीछे? मतलब पता नहीं यार, इतने सारे लोग तो हाथों के पीछे पड़े हैं। मेनका हो सकती है, कुसुम सुधरी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, भाले के टट्टू भी हो सकते हैं। सो आई डोंट नो, बट फिलहाल मेरा यहाँ से निकलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनी विच वेज आई एम नॉट फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, बिकॉज मुझे दीवार में बंद कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन ये वो, तो उसकी वजह से भी आई एम लिटिल वीक। ऊपर से बांध के रखा है, दो गुंडे हैं जिनसे यू नो भागना है, सो हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें स्ट्रगल है। फिलहाल आपने भी उन्हें चकमा दे दिया, तो उसके लिए क्या कहेंगे? पहले तो मैं बेहोश होती हूँ, जैसे मैं आँख खोलती हूँ मैं वापस बेहोश होने का नाटक करती हूँ, सो दैट यू नो दे डोंट किल मी एट द सेम मोमेंट। तो बस इसीलिए फिर उसके बाद मैं धक्का मारती हूँ, एंड लकीली आई सक्सीड इन दैट। और वहाँ पर मुझे कुछ बहुत सारे एक डब्बे में बहुत सारे कंचे दिखते हैं, मार्बल्स जो हम जिसे खेलते हैं, तो वो मैं फेंकती हूँ और मैं वहाँ से लाइक मैं निकलने में कामयाब होती हूँ। उसके बाद वो लोग वापस मेरे पीछे लग जाते हैं। रात तक इसको जान से मारने को सभी जुगाड़ फटाफट से, और हाँ, मारने के बाद लाश को भी ठिकाना, वो भी ऐसी जगह जहाँ से कभी इसकी लाश किसी को नहीं मिली। पता छोड़ी तो भाग ले।